ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस, कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं है क्या, हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरियां बिकती थी, है ना? उसको खत्म किसने किया? मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। हमारी सरकार आने से पहले, मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले, किसानों को अगर फसल खराब हो जाती है तो एक एक दो दो रुपए का श्रीमान जी मुआवजा दिया जाता था। अधिकतम 6,000 था, मनोहर लाल जी ने सरकार आते ही 12,000 रुपये मुआवजा किया था। गोहाना में दलितों के ऊपर अत्याचार हुए थे, मिर्चपुर कांड हुआ था, हिसाब दे करके जाओ ना, या लाई बेकदरा नाल यारी विल टूट गई तड़क करके, कहीं ये गाना ना गाना पड़े बसपा को इन लोगों, इसका ध्यान करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, लगातार संगठन से भी जुड़े रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि लोकसभा में बीजेपी उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, 10 सीटों का दावा था, अब विधानसभा की तैयारी कैसी है? देखिए, ये ठीक है कि हम 10 सीटों का दावा था, वो करना भी ज़रूरी था, क्योंकि हमने 10 सीटें पिछले चुनाव में हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से जीती थी। ठीक है, जनता ने जो निर्णय दिया वो स्वीकार है, लेकिन उसके आधार पे हमने कहाँ कोई गलती की, कहाँ हमसे चूक हुई, पूरी पार्टी ने बैठ करके विश्लेषण किया। उस विश्लेषण के आधार पे हम भविष्य की तैयारियां कर रहे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर एक रिकॉर्ड बनेगा, जैसे केंद्र में एक रिकॉर्ड बना है। 1962 में नेहरू जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद ये पहली बार एक ऐसा मौका आया है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी एक रिकॉर्ड बनेगा कि पहली बार हरियाणा प्रदेश में कोई गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, यानी कि गैर कांग्रेसी सरकार लगातार तीसरी बार बन रही है। 9.5 वर्ष तक खट्टर साहब ने कोई फैसले नहीं लिए, अब आपकी खुद की सरकार यू टर्न ले रही है, MSP भी दे रही है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात भी कह रही है, सरपंचों को भी अधिकार दिए जा रहे हैं, तो ये यू टर्न माने या डैमेज कंट्रोल? नहीं, ये बात मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि खट्टर साहब ने कोई फैसले नहीं लिए। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा प्रदेश में जो एक अव्यवस्था का माहौल होता था उसको खत्म करने का काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। जनता का विश्वास सरकार के अंदर कायम हो, वो काम मनोहर लाल खट्टर जी करके गए। कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है क्या, हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरियां बिकती थी, है ना? उसको ख़त्म किसने किया? मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। अध्यापकों समेत बहुत सारे कर्मचारियों को अपनी बदली का डर रहता था, आज बदली होती थी कल वापस हो जाती थी, ट्रांसफ़र पॉलिसी बना करके और कर्मचारियों को इस बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था जो इस प्रदेश की थी उससे निजात दिलाने का काम मनोहर लाल जी ने किया। हमारी सरकार आने से पहले, मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले, किसानों को अगर फसल खराब हो जाती है तो एक एक दो दो रुपए का श्रीमान जी मुआवजा दिया जाता था। अधिकतम 6,000 था, मनोहर लाल जी ने सरकार आते ही 12,000 रुपये मुआवजा किया था, और हरियाणा सरकार के अंदर 14-14 फसलें MSP के पे खरीदने का काम मनोहर लाल जी के राज में हुआ। भावांतर भरपाई योजना, जिस फसल की बिक्री अगर सरकार का कोई डिपार्टमेंट नहीं करता है वो दे करके, भावांतर भरपाई योजना दे करके किसान को उबारने का काम मनोहर लाल जी के राज में हुआ था। मनोहर लाल जी ने पीछे जो एक अलग ही प्रकार की सरकारें चलती थी अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की सरकारें चलती थी, उस व्यवस्था को ख़त्म करने का काम किया, और हरियाणा प्रदेश के नागरिकों को लगा है कि हाँ, पहली बार हरियाणियों की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है। ये काम मनोहर लाल जी करके गए हैं, और कोई यूटर्न लेने का कोई मामला नहीं है। आज नायब सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो काम मनोहर लाल जी ने जिनकी शुरुआत की थी उन कामों को आगे बढ़ाया है। उस समय 14 फसलें MSP पे या खरीदी जा रही थी या भावांतर भरपाई थी, आज नायब सैनी जी ने उस बात को आगे बढ़ाया ना, उन्होंने कहा कि जितनी फसलें हरियाणा में बोई जाती हैं सारी फसलें हम खरीदेंगे। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के किसान की अगर फसल ख़राब होती है तो उसको उससे ज़्यादा मुआवजा देने का काम करेंगे, यानी कि उन्हीं बातों को आगे हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बढ़ा रहे हैं। बराला जी, आप खुद संगठन के साथ जुड़े रहे हैं,
लगभग आपने संगठन के लिए काम किया, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। संगठन ने जो दो सूचियां जारी की, अनिल विज जी का नाम पहली दो सूचियों में।